मैं तो आपको उस रोज से कह रही हूं, सबीन का हमसे बात करने का मकसद हमारी तवज्जो दिलाना। अगर उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार खुलकर कर दिया है तो हमें भी इस बात पर सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, बल्कि मुझे तो कोई इतराज भी नहीं है। गरीब से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा उन्हें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अनाया भी मुझे बहुत पसंद है, बड़ी लविंग केयरिंग सी बच्ची है। मैं तो बस इसलिए चुप थी कि कहीं सबीन इनकार ना कर ले और मैं इंसल्ट फील करूं। अपनों में इंसल्ट कैसी? अपनों के इनकार से ही तो इंसल्ट फील होती है, वरना गैरों की कौन परवाह करता है। खैर, मैंने सबीन से कहा है कि मैं उस्मान और आरिफ से मशवरा करके बताती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। किस चीज का मशवरा करना है बेटा? कुछ रोज पहले तुम्हारी पुप्पो की तरफ गए थे, वो अनाया के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी। परेशान थी क्यों? क्या कोई प्रपोजल आया उसका? आया नहीं, इसके लिए वो तुम्हें चाहती हैं। और जाहिर है तुम जैसा एजुकेटेड वेल सेटल्ड दामाद कौन नहीं चाहेगा। आरिफ, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं उन्हें कोई पॉजिटिव रिस्पांस दूं? सोच लो।